हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेके हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पिया पिया कॉलिंग कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 15। तो ये पिया पिया कॉलिंग जो है ये अभी दो दिन पहले रिलीज हुआ है और ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो इसका मतलब ये है इस गाने ने तो धमाल मचा दी है। और सीजन 15 के हमने सारे ऑलमोस्ट सारे गाने सुन लिए हैं और सब पे रिएक्ट भी किया है। अगर कोई मिस हुआ हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पर वैसे हमने ऑलमोस्ट सारे गाने सुन लिए हैं, सारे ही एकदम कमाल के हैं। तो इसीलिए आज मैं ये पिया पिया के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं इसके अंदर क्या, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सीरियसली इस बार 15 सीजन ने तो कमाल कर दिखाई है। मीन्स अगर आप एक म्यूजिक लवर है ना, तो आपके दिल की जितनी तमन्ना है ना वो सीजन 15 पूरी कर देगा, क्योंकि इतनी वैरायटी के सॉन्ग लेकर आया है इस बार ये। और पिक्चराइजेशन और आई थिंक जितनी भी मैं क्रेडिट दूं म्यूजिक की, वो वाकई में कम होगी, क्योंकि इतना अच्छा म्यूजिक इस बार बना है। हर डिफरेंट स्टेट का म्यूजिक आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इस सॉन्ग के अंदर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कि गुजराती है, अरेबियन है, उर्दू लैंग्वेज है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सॉन्ग भी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कोक स्टूडियो सीजन 15। पिया पिया काले श्रावण गुजरे तुझ बिन तर बिना एकलो छुइया। गुजराती लैंग्वेज, क्या बात। पिया नॉर्वे आगलियों ने कही दे घर सुधी रस्तो तू ले जा। वाओ, बहुत अच्छे हैं। जब तेरे शहर से गुजरते हैं तेरे दीदार को तरसते हैं, तेरी तस्वीर को लगा के गले तेरी महफिल से हम निकलते हैं। क्या तुझे याद है तेरा दीवाना, तूने इश्क किया नहीं पहचाना, इस गम का नहीं कोई हर जाना, तुझे आना नहीं अब ये जाना। कैसा तूने यार बनाया, हाँ चाहने तेरी खूब नचाया, दिया दिया जानम मन निश्तगा तई वदारा, तई हुस्ता मन भी करारा, दिया दिया जानम मन निश्तगा तई वदारा, मद दर्द तो ये दिलारा। Oh,
अच्छे मूड में। बहुत डिफरेंट टाइप का लव सॉन्ग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाओ यार, इतना प्यारा सॉन्ग था और इतना डिफरेंट, मतलब ऐसा सॉन्ग मैंने आज तक कभी नहीं सुना। एक लव सॉन्ग था बट उसके अंदर क्या उन्होंने बीट्स डाली और जैसे वो सारे उस चीज को एंजॉय कर रहे थे। बहुत सारी लैंग्वेजेस मिक्स थी बीच में, उन्होंने पंजाबी हिंदी सारी लैंग्वेजेस के अंदर उन्होंने बोला और अपनी अपनी जो क्या कहते हैं दिल की फीलिंग है वो एक्सप्रेस करी। मजा आ गया सुन के यार। और जितने भी अलग अलग लैंग्वेजेस के थे उनके मैं नीचे सबटाइटल्स पढ़ रही थी और इतने अच्छे लिरिक्स लिखे हुए थे, इतने हार्ट टचिंग। और अगर आपको लिरिक्स नहीं भी समझ में आ रहे, कई बार ऐसा होता है आपको म्यूजिक इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे वो बीच में एकदम से तेज तेज बज रहा था पी या कॉलिंग, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत प्यारा गाना बनाया ये तो। वाकई में इतनी सारी लैंग्वेजेस का मैशअप बनाना और कोलैब करना, इतनी सारी लैंग्वेजेस और इतने सारे म्यूजिशियंस आर्टिस्ट और सिंगर्स के साथ, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर इसके पीछे की जो मेहनत होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जिस तरीके का सॉन्ग ये निकल के आया है ना, वो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। इतना सूथिंग है म्यूजिक और इतना मजा आ रहा है, लिरिक्स को इंजॉय कर रहे हैं हम व्यूवर्स। तो आई थिंक इस सॉन्ग्स के जरिए जो भी डायरेक्टर या सिंगर्स जो भी मैसेज देना चाहते थे वो पूरी तरीके तक व्यूवर्स तक पहुंचा है। तो हमें तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।